कोई भी घर में है वो बाहर आ जाए और जो कोई भी घर में नहीं है वो भी बाहर आ जाए। मैं कहां जाऊं? और बेवकूफ, तुम्हें बताया है चौकीदार ने फुल रिपोर्ट दी है कि घर वाले एक शादी में इस्लामाबाद गए हुए हैं, आज रात कोई नहीं वापस आएगा। सर जी, आपने खुद ही तो कहा था किसी के ऊपर एतबार नहीं करना, मुझे आप पर भी एतबार नहीं है। चलो तलाशी लो। ये क्या कर रहे हो? सर जी, आपने खुद ही तो कहा तलाशी लो। ओए अच्छा, बाबा बाबा कहाँ है बाबा? तुमने कहा? सर जी आहिस्ता बोले, अगर रीमा ने सुन लिया ना सर जी, तो वो मेरे साथ हीरोइन नहीं आएंगी। सर जी, मेरी फिल्म हिट हो जाएगी और मैं मगरूर हो जाऊंगा सर जी, यूं करके। सबसे पहले जो तय खाने में सरमाए से बड़ी तिजोरी पड़ी है ना, अगर उसे चुराने में कामयाब हो गए तो फिर फिल्म में भी अपने आप को कामयाब ही समझो। सर जी, मैंने फिल्म हीरो बनना है, ना डायरेक्टर, ना राइटर, ना प्रोड्यूसर, जो चोरी का तजर्बा कामयाब होगा। सर जी, मेरी रीमा के साथ जोड़ी कैसी लगेगी फिल्म में? रीमा के साथ तुम्हारी जोड़ी ऐसे होगी जैसे हूर के साथ लंगूर। सर जी, आप रीमा को लंगूर कह रहे हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा और मेरी अखबारों में तस्वीरें आएंगी। सर जी, एक सफे के ऊपर तो मेरा पूरा चेहरा नहीं आएगा, नीचे लिखा होगा बाकी चेहरा आखिरी सफे पर देखिए। आयो, मैं कहां जाऊं? फोन है, टेलीफोन है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, वो शादी पे गए हुए हैं। हैं? हाँ जी, हम कौन है? हम डाकू हैं जी। हेलो, सॉरी जी, रॉन्ग नंबर है। सर जी, ये आपने क्या किया? मैंने इसका कान ही उतार दिया, आवाज नहीं आएगी। ओए, तुम अपनी बेवकूफियां छोड़ नहीं सकते हो। सर जी, आपने क्या किया? मेरी कोई जानने वाली थी जो मुझे आप कह रही थी। सर जी, आप क्यों कर रहे हैं? बदतमीज, तुम जो कर रहे हो। सर जी, मैं लाइट में कैसा लग रहा हूँ? हाय, मेरी माँ बचपन में मुझे कहा करती थी, बेटा तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है। लाइट नहीं जलानी वरना पता चल जाएगा कोई अंदर है। ठीक है सर जी, अगर मुझे किसी ने पूछा ना कोई अंदर है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम्हारे अलावा कोई और भी है? हाँ, तुम्हारे अलावा एक बंदा और है। किसने? सर जी, आपने तो कहा था कोई और नहीं है, ये एक और बंदा। ओए, मैं हूँ। सर जी, आप बंदे थोड़ी हैं, आप तो डाकू हैं। बंद करो, सुनो। हाँ? तिजोरी खोलने में बहुत देर लगेगी। हाँ? सारा सामान लायो। सर जी, आप जितनी मर्जी देर लगाएं, मैं वीडियो कैसेट साथ लेकर आए। सर जी, जिस घर में टीवी वीसीआर ना हो तो वहां डाका मारने का मजा ही नहीं आता। सर जी, मैं तो अपने चमचे भी साथ लाऊं, मैं किसी के बर्तन में खाना खाता ही नहीं हूँ। वो क्यों? सर जी, मेरा हुसन मांद पड़ जाता है। बस बिल्कुल नहीं करनी। अभी मैंने तय खाना भी ढूंढ रहा हूँ। तय खाना, तय खाना। ओए बेवकूफ, तय खाना नीचे होता है। सर जी, हो सकता है इन्होंने डाकुओं को धोखा देने के लिए तय खाना ऊपर बनाया हो। अच्छा, चलो चलो सर। तो सर जी, पहले लाइट तो जला लें। ओए बदतमीज, लाइटें नहीं जलानी। सर जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये अंधेरे वाला सीन है, मैं तो रोशनी वाले कपड़े पहन के आया हूँ। चलो बदतमीज, चलो आ जाओ। डाकू फर्स्ट। सब इस्लामाबाद से मरी चले गए, हमें वापस भेज दिया, सुबह कॉलेज जाना है। तुमसे किसने कहा था कि सबको बता दो मेरा कल टेस्ट है? मुझे क्या पता था, साथ मुझे भी भेज देंगे। उमा, ये दरवाजा पहले से खुला था। मामा से कितनी दफा कहा है कि बॉबी को मत कहा करें दरवाजा बंद करने को, इसका तो मुंह भी नहीं बंद रहता। टेस्ट का बता के फंसा दिया ना। उमा, भूत दरवाजा खोल सकते है? खोल तो रहा है। वो हम सारे बल्ब जला देते हैं। मैं डर तो नहीं रहा,
मामा ने कहा था। सारे बल्ब जला दोगे तो रोशनी कहाँ से आएगी, जलाने के बजाय सिर्फ ऑन कर दो। तुम मामा पापा के कमरे में जाओगी, मैं अपने कमरे में। चलो। उस्ताद जी, ये लोग भी कितने बेवकूफ हैं। तहखाना नीचे बनाया हुआ है, इस तरह तो लोगों को पता चल जाएगा। मैं जरा आराम ना कर लूं। अब बकवास बंद करें। तुम काम से पहले आराम करते हो, तुम सरकारी अफसर हो। उस्ताद जी, टी ब्रेक तो होना चाहिए ना। और टी ब्रेक नहीं है, इधर मार। तिजोरी ब्रेक कहो, तिजोरी ब्रेक। ए, चौकीदार ने इस घर के बुजुर्ग चला ना देना है। चौकीदार ने इस घर के बुजुर्ग से खुद सुना कि इस घर का सारा सरमाया इस तिजोरी में है, पर इसको चाबी कोई नहीं लग रही। उस्ताद जी ठहरे, चला दो। ओए, शोर हो जाएगा। उस्ताद जी, नई चाबियों लगाने वाला मेरा एक दोस्त है। उस्ताद जी, उसको मैं ले आऊं। हम बचपन में ना इकट्ठे हमसायों की मुर्गियों के अंडे खाया करते थे। उस्ताद जी, मुझे स्कूल में भी बड़े अंडे मिला करते थे। ऊपर जा और जाके औजारों वाला वो बैग लेके आ, जो तू ऊपर ही भूला है। जल्दी जा। बदतमीज। आवाज दे कहाँ है। डडडम डडडम। ओहो, उस्ताद जी भी अजीब आदमी है, सारे घर की लाइटें जलाई हुई हैं। आवाज दे कहाँ है। दुनिया मेरी। ओहो, ये उस्ताद जी भी अजीब आदमी है, सारे घर की लाइटें जलाई हुई हैं। हुमा ने लाइट क्यों ऑफ कर दी? ओहो, उस्ताद जी ने फिर लाइट याद ये। आवाज दे कहाँ है। लाइटें ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, वो मैं तो नहीं, वो तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ रही हूँ। मेरा नाइट सूट कहाँ है? ये पूछो जो कपड़े मैं रोज कॉलेज पहनता हूँ वो कहाँ है। बैग में होगा, वही सूट तुम्हें सूट करता है। चुप करके रहो। अरे बदतमीज, बैग लाने में इतनी देर कर दी। उस्ताद जी, दरअसल मैं हूँ ही हसीन। मैं जिधर से गुजरता ना, उस्ताद जी वहाँ से लाइटें जल जाया करती थी, और उस्ताद जी मैं उनको बुझाता फिर रहा था। अरे बच्चे, बात सुनो, अब तुमने यहाँ से हिलना नहीं। उस्ताद जी, आजकल हिलने वाले हीरो का दौर है। उस्ताद जी, ये सर पे क्या लगा रहे हो? उस्ताद जी, ये बाल उगाने वाला तेल है। उस्ताद जी, आपको तो पता है ना मेरे बाल गिरते हैं। उस्ताद जी, आपने कहा था ना कि गंजा हीरो नहीं चलेगा। उस्ताद जी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तो मेरे बाल क्यों गिरने शुरू हुए? मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं मैं?
ओए बदतमीज, ये बोतल से तेल क्यों लगा रहे हो? उस्ताद जी अगर मैंने हाथ से लगाया ना तो मेरे हाथों पे बाल उग आएंगे। देखो ना, देखो उस्ताद जी, ये निकालो सार, निकाल। ये है उस्ताद जी, ये तो अपने शोबे वालों का बैग लगता है। वो कैसे? उस्ताद जी इसमें बेहोश करने वाले जो सामान है सारा ये। इसमें रखो इसको। अच्छा उस्ताद जी, और जाके औजारों वाला बैग लेके आ, जल्दी कर। उस्ताद जी ये पकड़े, दफा हो जा, ले जा इसको। हुमा कहती है कि उसने बत्तियां नहीं बंद की, तो फिर किसने की है? भूत बत्तियां बंद कर सकते हैं। मैं तो मर्द हूं, मैं तो भूतों से नहीं डरता। हुमा मजाक उड़ाएगी, मैं कपड़े बदल लूं। एक तो इस अलमारी ने रुला दिया मुझे। मेरा बैग यहाँ पड़ा है। बॉबी मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है। खाली घर में भूत होते हैं? घर में भूत हुए तो खाली कैसे हुआ? ये बैग तुमने पैक किया था ना, इसमें सारी चीजें लोहे की बन गई हैं। ये जरूर भूतों की कारस्तानी है, तो तुम खुद देख लो। मैं देख। सारी चीजें लोहे की हो गई है ना। जूता चमड़े का है, सूट कपड़े का है, और जुराबे बदबू की बनी हुई है। फिर डर रहे हो? नहीं नहीं, मैं डर तो नहीं रहा हूँ, वो तो लड़कियां डरती हैं, वो तो मुझसे भी डरती हैं। बॉबी तुम सो जाओ, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। मुझे नींद नहीं आ रही। पाकिस्तानी फिल्म देख लो, आ जाएगी। पता है आज टीवी पे माइकल जैक्सन की 40वीं सालगिरह की तकरीब भी है। वैसे माइकल जैक्सन 40 साल का लगता तो नहीं। लगेगा कैसे, उसकी नाक 12 साल की है, उसके होंठ 18 साल के हैं, और उसकी जिल्द इस महीने 10 साल की हो जाएगी। पता है मामा फैमिली फ्रंट का कैसेट भी लाएंगे अगर देखना तो। मैं जा रही हूँ फिर पढ़ने, डिस्टर्ब नहीं करना आप। उस्ताद जी हाफ टाइम ना कर लें। क्यों? उस्ताद जी मैंने फिल्म देखने जाना है। उस्ताद जी रीमा आई हुई है उसके साथ। है? कहाँ है रीमा? उस्ताद जी ये है उस्ताद जी। अरे और मैं कहाँ जाऊँ? उस्ताद जी आप कहीं भी ना जाएं, आप यहीं ठहरे। उस्ताद जी उस घर में डाका मारने का मजा ही नहीं आता जिसमें वीसीआर और टीवी ना हो। उस्ताद जी ये अंग्रेजी फिल्म है, आपको तो पता ना उस्ताद जी, अंग्रेजी फिल्म में मेरे जैसे हीरो होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ हॉरर फिल्में नहीं बनती। पता नहीं ये तिजोरियां कैसे खुलती हैं। उस्ताद जी हो सकता है इस फिल्म में भी ऐसे ही सिचुएशन हो। उस्ताद जी आजकल हर हीरो को ऐसे ही सिचुएशन मिलती है। उस्ताद जी मैं अभी आया। बात सुना, आवाज बंद करके फिल्म देखना। उस्ताद जी है इस फिल्म को आप आवाज खोल के भी देख सकते हैं। किसे बनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है। I'm
वीसीआर फिल्म देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। बुलबुल का बच्चा अम्मी ने पकाया, अबू ने खाया, बड़ा मजा आया। अम्मी ने पकाया, अबू ने। हॉरर फिल्मों का एक तो ये फायदा होता है कि उसमें हीरो मेरे जैसा होता है। रिमोट ओ ये पड़ा है, तू यहाँ छुपा हुआ था। बुलबुल का बच्चा अम्मी ने पकाया, अबू ने खाया। ओह मेरा पेन में कुछ गुड़बुड़ हो रही है, ऐसा ना करते जब तक फिल्म रिवाइंड होती है उस वक्त तक कुछ ना कुछ खाबा हो जाए। बुलबुल का बच्चा अम्मी ने पकाया, अबू ने खाया, बड़े मजे आया। वो तुम फिर डर गए हो, एक तो तुम हो इतने डरपोक। मैं डरपोक नहीं हूँ, पर वो वीसीआर में भूत। जाके सो जाओ, मुझे नहीं पता था तुम इतना डरते हो। भूत से ही डरता हूँ ना, चिपकली से तो नहीं। मैं तो भूत से भी नहीं डरता हूँ, मैं तो वो जाके सो जाओ। अच्छा वो ठीक है। बुलबुल का बच्चा बड़ा मजेदार है। जी का बच्चा ऐसे सो रहा जैसे बाप का घर हो। ये मेरे पापा का ही तो घर है। तू डायलॉग बोलने से बाज नहीं आएगा, ओए जरा सोचो, ये सोने की जगह है। ये मुझे कह रहा है जरा सोचो, इसका मतलब है इसको भी पता है कि सोचने का काम मेरा ही है इस घर में। तू ऐसे नहीं हिलेगा, मैं तेरा बंदोबस्त करता हूं अभी। अब नहा लिया है, अब नीचे आ जाओ, जल्दी करो। यही तो है फैमिली रन। मैं सच कह रहा हूं, उस भूत ने कहा नहा लिया, नीचे आओ। भूत को कैसे पता लगा तुम नहाते नहीं हो? भूतों को सब पता होता है। ढाका मारने का उस घर में बड़ा ही मजा आता है जिसमें वीसीआर और टीवी हो। ये तो डाकू है बॉबी, अब सोचो क्या होगा। मैं क्या करूं, मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकता हूं, या कांप सकता हूं या सोच सकता हूं। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, इस्लामाबाद तुम मरी जाने के लिए मरी जाती थी, जब वहां जाने के लिए सब तैयार हुए तो तुम यहां लेके आ गई मुझे अचानक। हर वो जगह जहां मुझे सुंबल की शक्ल नजर ना आए मेरे लिए मरी ही होता है। वैसे यहां कितना अच्छा लग रहा है,
पूरे घर में सिर्फ तुम और मैं। वैसे आज दिन कौन सा है? दिन नहीं है, रात है। तुम्हें शायद याद ना हो कि आज के दिन तुमने पहली बार मुझसे इजहार मोहब्बत किया था। मैं अपनी गलतियां याद नहीं रखता, मुझे याद है तुम्हें मुझे याद करवाया। पहली नजर में तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। अच्छा, वैसे शौकत, ये आदमियों को पहली नजर में औरतों से मोहब्बत क्यों हो जाती? इससे उनका बड़ा वक्त बचता है। शौकत, शादी से पहले तो तुम मुझे कहा करते थे, सलमा मुझे हर तरफ तुम ही तुम नजर आती हो। बहुत मोटी हुआ करती थी, चारों तरफ तुम ही हुआ करती थी। तुम तो मुझे ये भी कहा करते थे, सलमा मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें चंद सालों में रातों रात हीरोइन बना दूंगा। कितने कितने महंगे गिफ्ट दिया करते थे तुम मुझे। अब तो हर चीज महंगी है, सिर्फ शादियां सस्ती हुई हैं। अगर कहो तो शौकत, वो इस बार शादी की सालगिरह पर मैं वहां जाऊंगी जहां गए हुए मुझे मुद्दतों हो गई। अच्छा, बर्ची खाने में? शौकत बस करो, अब मजाक की भी हद होती है। तुम्हें पता है मिसेस कमाल मुझे क्या कह रही थी? क्या? मिसेस कमाल मुझे कह रही थी कि सलमा, मुझे पता चला है कि तुम्हें लतीफे बहुत पसंद है। मैंने कहा आपको किसने बताया? तो कहने लगी मैंने खुद तुम्हारे शौहर को देखा। मुझे भूख लगी, मैं खाना लाता हूँ। अच्छा रुको रुको, खाना मैं लेके आती हूँ, तुम जरा फ्रेश हो जाओ। ओके, फिर से कहना, ऐसे फिक्रे सुने हो, मेरे कानों को अरसा हो गया। कहाँ रह गया ये शौकत? ओए, यहाँ केक पड़ा हुआ है, लगता है आज मेरी सालगिरह है। आए, इसे तो क्रीम चार चार के खाएंगे। आए, न्यूम 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 न्यूम। शौकत, आज हमारी मोहब्बत की सालगिरह है, लो केक काटो। कौन सी बरसी है? मेरा मतलब कि सालगिरह। शौकत, तुम नहीं काटो, मैं काटता हूँ। कट इट। शौकत, ये केक कहाँ गया है? मैंने अभी तो यहाँ रखा था। यहाँ तो है ही नहीं। हाँ शौकत, मुझे लग रहा है इस वक्त यहाँ कोई और भी है। जो ही वो यहाँ से गुजरेगा, ये बोरी उस पे गिरेगी और वो बोरी हो जाएगा। फोन भी काटती है ना, पुलिस को ही फोन कर लेते। पुलिस को कैसे बुलाते? वो तो आके पूछते डाकू का नाम पता, तो हम कैसे बताते? हमने तो डाकू का नाम पता पूछा ही नहीं। अरे 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 अरे, लंच ब्रेक। हाय, मैं कहाँ जाऊँ? उस्ताद जी आप कहीं भी ना जाएं, आप ऊपर जाएं और ऊपर से खाना लेकर आए। उस्ताद जी, केक के बाद नमकीन खाने का बड़ा मजा आता है। उस्ताद जी, इस घर में फिर डाका मारेंगे, ये खाने बड़े बड़े अच्छे बनाते हैं। मैं अभी आया उस्ताद जी। ओए, और तू खाली घर में इतना शोर मचाता है? मैं तो सोए हुए घरों में ऐसे दाखिल होता हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलता। उस्ताद जी, आप तो शादीशुदा है ना? उस्ताद जी, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, मैं अभी आया हूँ। यहाँ तो इतने ज्यादा खाने पड़े हैं, किस किस को खाऊं? मेरा ख्याल है पहले इसको खाता नहीं, ये तो आलू पालक है, इसको ये तो किया है, इसको खाता हूँ। मेरा ख्याल है घर वाले आ गए, अब मैं क्या करूँ, कहाँ छुपूँ? ऐसा कर दूँ आंखें बंद कर लेता हूँ, ये मुझे सारे नहीं देख सकेंगे। हाँ ये ठीक है, ये क्या कर रहे हो टेबल के नीचे?
मजे का खाना बन। ओफो, ये शौकत फिर रह गया, वेरी लेजी। तुम लोग रुको, मैं लेके आती हूँ उसका। हुमा, टेबल हिल रही है। तुम्हारा दिमाग हिल रहा है, बस करो। आ रहे बस। वो चाची टेबल। बॉबी, मैं इतनी मेहनत से बर्तन लगा के भी सारे डिस्टर्ब कर दिए। मैंने तो नहीं किए। अच्छा अच्छा, चलो बैठो। भाई अभी तक आप लोग बैठे नहीं, बैठे। आज तो बहुत कुछ ही पका दिया। ए बॉबी, ये शामिल हो गई, ये फिल्मी रोज को बहुत पसंद है। अच्छा, हीरो ये खाते हैं? वो चाचू, आपने शामी तो दिए नहीं। आपने ऐनक जो नहीं लगाई हुई, इसलिए। देखिए, सारे शामी खा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चाचू, आपकी फिल्म कब शुरू हो रही है? बस बेटा, जिस दिन मुझे हीरो मिल गया उसी दिन ही फिल्म शुरू हो जाएगी। चाचू, आपको किस किस्म का हीरो चाहिए? एक लंबा, खूबसूरत, नौजवान किस्म का हीरो। ओए, इनको तो मेरे जैसा हीरो चाहिए। इसका मतलब है मेरी मंजिल इन्हीं कदमों के नीचे है। वो चम्मच गिर गया। ओ, चम्मच ये ले सर जी। थैंक यू। ये चम्मच नीचे, कौन है? कौन है नीचे? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हैंड्स अप। सर जी, सर जी, मैं वो हीरो हूं जिसकी आपको तलाश है। सर जी, मुझे एक चांस देकर दे। हैंड्स अप। जब तक मैं अपना पिस्तौल लेकर नहीं आता, हाथ नीचे नहीं करने, मैं आ रहा हूं। ये तो वही है हीरो, बैंक डाके वाला। आपने मुझे पहचान लिया? वे, मैं कितना मशहूर हूँ। देखे, आपने अगर मुझे पहचान ही लिया तो आप मेरी सिफारिश करें, मुझे फिल्म में हीरो ले लें। प्लीज प्लीज। तुम यहाँ करने क्या आए हो? वो जी, हम तो यहाँ डाका मारने आए थे। मेरे साथ मेरा उस्ताद भी है जी। तुम ये आ गए उस्ताद जी, हम पकड़े गए, हम पकड़े गए। उस्ताद जी, ये फिल्म वाले हैं, इनसे कहें मुझे फिल्म में चांस दे दे। सर जी, मैं सही हैंड्स अप बनाऊ ना? खूबसूरत लग रहे हो। तुम यहाँ करने क्या आए थे? ये हर जगह मरवा देता है। सुना था जनाब के नीचे तिजोरी में बाबे की सारी जिंदगी का सरमाया पड़ा हुआ है। 6 घंटे के बाद तिजोरी खुली तो उसमें सिर्फ लेटर निकले। आप सुन रहे हैं ना जनाब? हाँ जनाब, मैंने सुन लिया। अच्छा, वो मेरे अब्बा के लव लेटर है जो मेरी अम्मी के नाम थे, और वो उनकी जिंदगी का सरमाया है। सर जी, आप मुझे कोई सा भी सीन देकर देखे, मैं बड़ा अच्छा करूंगा। मैं तुमसे ऐसा सीन करवाऊंगा, और वो भी थाने ले जाकर। थाने चलो। सर जी, आप जाएं, मैं यहीं रहता हूं, मुझे भूख लगी है। बकवास ना कर। आओ, आ जाओ। सर जी, ठीक ही कहते हैं, जब अल्लामिया देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के फिर देते हैं। यम सर। जी सर जी। हमारे थाने का तो छप्पर पहले ही फटा हुआ है। सर जी। सर जी, वो मुंजमों को हवालात में बंद कर। सर जी, मुझे काम है, आप इनको बंद कर दें। सलाम अलैकुम। ये तो मेरा स्यापा ही है। ओए, डकैतियां करते हो वो भी हमसे पूछे बगैर। चलो। और देखो, बत्ती चली गई है यार। अफसर जी, सर, उनको हवालात में बंद कर दिया ना? बिल्कुल सर जी, हवालात में बंद करके आया हूँ। अच्छा किया सर जी, से अब हो गया है। अब क्या हो गया सर जी? गलत मुजरम हवालात में बंद हो गए हैं, और असली वाले तो वो जा रहे हैं सर जी। ओए,
खाना खराब हो गया, अब सब कुछ खड़ा हो। आजा, वो ये जो भाग के पकड़ रहे, ये नौकरी का सवाल है। वो ये सब जल्दी गांव से ले साहब जी, साहब जी आप देखिए हमें तो छोड़े, आपने गलत बंदे बंद कर दिए। स्यापहिया भाई, वो तुम्हें कैसे छोड़ दे, पहले उनको तो पकड़ ले, हमने गिनती पूरी रखनी हो। सर आपको तो 100 तक गिनती पूरी नहीं आती, अबे छोड़े। देखें